हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ। तो मैं अपने बच्चे का मसाज कैसे करती हूँ उसको मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और मैं कौन सा ऑयल भी यूज़ करती हूँ वो भी बताऊँगी। और एक प्रॉब्लम हो रही है हमारे साथ, पता नहीं क्यों मेरे बच्चे का हेयर जब ये पैदा हुआ था तो बहुत अच्छा था, पर धीरे धीरे हेयर जो है निकल रहे हैं। अब पता नहीं ये बाद में सही हो जाएगा कि नहीं, वाटर प्रॉब्लम है क्या इसको, तो मैं फ़िल्टर वाटर से नहलाती हूँ, लेकिन पता नहीं, देखिए छोटे छोटे बाल करके निकल रहे हैं। और जब ये न्यू बॉर्न था तो बहुत अच्छे हेयर थे इसके। तो मैं जो है ये देखिए, ये प्योर कोकोनट ऑयल है। तो यहाँ साउथ में आराम से ये मिल जाता है, ईजिली मिल जाता है। वो नारियल से जो कराते हैं कोल्हू में, वो पूरा वही प्रोसेस में, कोई केमिकल नहीं है इसमें, कोई केमिकल नहीं है इसको, हम लोग प्योर लेके आए हैं और केरला से ले आया है इसको। और जो है नहीं, यहाँ पे भी मिल जाता है, लेकिन और जो है यहाँ के डॉक्टर ने भी बोला था कि जो आप जो खाने का तेल यूज़ करते हो आप वही यूज़ करिए, कोई भी मार्केट का नहीं यूज़ करिए। जैसे आप मस्टर्ड ऑयल, हमारे नॉर्थ साइड में तो मस्टर्ड आराम से मिलता है, बट यहाँ उस साइड में कोकोनट प्योर नहीं मिल पाता है, और यहाँ पे तो मुझे ईजिली मिल गया, तो मैं भी इसको कोकोनट का ऑयल यूज़ करती हूँ। और लेकिन जो यहाँ पे सिर, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मस्टर्ड ही यूज़ करते हैं। तो मैं इसको डेली 3 टाइम मसाज करती हूँ, हाफ हाफ आवर करके मैं अच्छे से इसका मसाज करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा तेल रखती हूँ हाथ पे, और मैं इसकी पूरी बॉडी में पहले इसे रैप कर देती हूँ, पूरा मतलब ऐसे इसको लगा देती हूँ। उसके बाद में कुछ मैं इस तरह से इसके फ्रंट साइड, बैक साइड में करके, ज़्यादा तो मैंने इसको कर ही दिया है, बस जिससे ये हम लोग में बहुत ज़्यादा करते हैं कि बच्चा जल्दी से स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इसके लेग को कुछ इस तरह से करिए, यहाँ पे जो ज्वाइंट होते हैं ये अच्छे से होने चाहिए, नहीं तो बाद में क्या होता है कि वहाँ पे रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी ये फ्रंट पे बैक में तो अच्छे से करवा रहा है, लेकिन जब बैक फ्रंट के साइड आता है तो बहुत चिल्लाता है, पलटते ही चिल्लाना शुरू करेगा, कुछ करो या ना करो। तरफ भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गंदगी हो जाती है, तो इस तरफ जरूर आप क्लीन कर दीजिए दोनों साइड में ईयर के। और देखिए, कहा नहीं कि पीछे के आगे से। अब इसको मैं टर्न ले रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा ऑयल लिया, मैंने इसको फ्रंट पे कर दिया, थोड़ा ऑयल लिया, और जो है अभी मैं पूरे पे इसको ऐसे लगा देती हूँ। ये फ्रंट साइड में थोड़ा अच्छे से नहीं क्लीन करवाता है, और पैर को कुछ को कैसे वीडियो बनवाता है। तो मैं सबसे पहले इस पैर को रगड़ती हूँ, ये वीडियो बनवा रहा है, और मैं कुछ इस तरह से हाथ को भी करती हूँ। और ऐसे करिए तो जो बेबीज की जो मतलब गैस होती है वो अच्छे से पास हो जाती है ऐसे रगड़ने से। और मैं थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी करती हूँ इसके साथ में, इस दोनों लेग को मैं फोल्ड करके ऐसे करके फिर ऐसे करती हूँ थोड़ा, जो ये एक्सरसाइज होती है वो बहुत ही अच्छी है बेबीज के लिए। थोड़ा रनिंग भी करा दो इसको। रनिंग तो ये ऑलरेडी करता रहता है, लेकिन फिर भी और इस हम लोग के यहाँ ऐसे भी करते हैं, शूशा कर दो थोड़ा, शूशा। हैंड का कैसे करना है? ऐसे अप एंड डाउन, अप। खुद करेगा वो। खुद करेगा, ऑलरेडी करता है, बट हम जो काम कर रहे हैं उसको, मैं इसको बहुत ज़्यादा तेल, क्योंकि ये लगवाता नहीं है तो जब खुश रहता है तो मैं इसको अच्छे से मसाज करती हूँ बैठ के थोड़ी देर, क्यों कभी कभी खुश रहता है। आज ये खुशी के मूड में है,
शुरुआत में रोया लेकिन अभी खुश हो गया। तो जहाँ तक हो सके आप जो है मार्केट का मार्केट की चीज़ें ना यूज़ करके जो आपके मतलब एरिया में होता है वही जो है ऑयल बेबीज़ के लिए जो है यूज़ करिए, जिससे जो है इनको, मैं अपने बच्चे को यूज़ किया इसको आज तक एक जो है छोटा सा भी कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी रैसेस वैसेस कुछ भी नहीं हुए। और लेकिन बस इसकी आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने इसको डॉक्टर को भी दिखा दिया था, बट पता नहीं क्यों, पता नहीं नॉर्थ साउथ में ज़्यादा हीट हो रहा है क्या हो रहा है। मैं बेबी इसको डेली नहलाती भी हूँ लेकिन फिर भी जो है, और एक अभी सही हो गया है, सही हो गया है, हाँ सही होता है बट थोड़ा थोड़ा शुगर में चिपका रहता है ना। तो अभी मेरा बेबी थोड़ा खुश है तो मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा मसाज कर रही हूँ। सबसे बेबी को ऊपर से लेके नीचे करना है तो जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। और जो है इसको जो है ऐसे ऐसे करिए, इससे क्या होता है कि मसल्स जो है अच्छे बनते हैं, एक्सरसाइज अच्छी होती है। ये मेरा बेबी, ये मेरा नन्नू, और इसके मुंह पे भी थोड़ा सा ऑयल रैग लगा दीजिए पूरे पे, इसके होठों को भी, इसके लिप को भी। तो आप लोग कैसे करते हैं मसाज, प्लीज़ हमें भी बताइएगा। मैं तो ऐसे करती हूँ, ये तरीका मुझे बेस्ट लगता है। मैं अपने पैर पे भी इसको लिटा देती हूँ क्योंकि अभी छोटा है, ये मैं इसको नीचे लिटा के नहीं करती हूँ, तो क्योंकि हमारे साइड में ऐसे ही करते हैं और मैं तो ऐसे ही करती हूँ। अभी जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो जो है नीचे लिटा, साइकिलिंग कराओ, थोड़ा साइकिलिंग कर रहा है, देखो साइकिलिंग करता है। तो वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा ये लड़का व्यस्त है, अभी कुकू कर रहा है,